एवरीवन, और आज हम बनाएंगे मोदक। पैन को गरम करें और 2 चम्मच खसखस भून लें और इसे निकाल दें। अब मिलाएं 1 बड़ी कटोरी नारियल। इसी के साथ मिलाएंगे 6 से 7 बारीक कटे अंजीर और थोड़ी सी किशमिश। अब मिलाएं 1/2 कटोरी गुड़ और इसे अच्छी तरह से पका लें। गैस बंद करें, इसमें मिलाएं खसखस और इस मिश्रण को ठंडा कर लें। आउटर कवरिंग बनाने के लिए हमें चाहिए 1/2 कटोरी पानी। इसमें मिलाएं चुटकी भर नमक और साथ ही मिलाएंगे 1 चम्मच घी। जब पानी में अच्छी तरह उबाल आए तब इसमें मिला दें 1 कटोरी चावल का आटा। हमें चावल का आटा उसी कटोरी से मेजर करना है जिस कटोरी से हमने पानी मेजर किया है। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें और इसे ढककर अब 10 मिनट के लिए हम रख देंगे। दस मिनट बाद मिश्रण थाली में निकालें और हाथों पर ठंडा पानी लगाकर इसे रोटी के आटे की तरह मल लें। ध्यान दें, मिश्रण बहुत ज़्यादा गर्म होता है, इसलिए हाथों पर पानी का इस्तेमाल करें। अब आप देख सकते हैं धीरे धीरे आटा पूरी तरह से इकट्ठा हो गया है और अब ये मोदक बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब मोदक का एक साँचा ले और इसमें घी लगा ले ताकि मोदक जो है आसानी से निकल पाए। और साथ ही हमें एक बॉल बना लेना है आटे से। अब साँचे को बंद कर ले और इसमें इस बॉल को रख दे। उंगलियों पर घी लगा ले और इसे प्रेस करते हुए साँचे के साथ इसे एक मोदक का आकार दे। उंगलियों की सहायता से इसे प्रेस करते हुए एक्स्ट्रा आटा जो है उसे बाहर निकालें। अब आप देख सकते हैं एक्स्ट्रा आटा जितना भी है वो बाहर आने लगा है। और अब इसमें स्टफिंग जो है उसे हम रख देंगे। स्टफिंग हमें ना बहुत ज़्यादा भरनी है और ना बहुत कम। और बचा हुआ जो एक्स्ट्रा आटा है उसे हम मोदक को बंद कर देंगे। अब आप देख सकते हैं हमारा मोदक जो है बिल्कुल तैयार है। इसी तरह से सभी मोदक तैयार कर ले। मोदक स्टीम करने के लिए रखें और इसे हल्के हल्के पानी से ब्रश कर लें। यहाँ मैंने हल्दी के पत्तों का इस्तेमाल किया है। इसे 15 मिनट के लिए इसे ढककर स्टीम करें जब तक मोदक पर एक ग्लेज ना आ जाए। मोदक ठंडे होने के बाद इसे सर्व करें। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करें। आज की अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।